One of the question of the NCERT, that is, draw the structure of all isomeric alcohol of formula C5H12O and give their IUPAC name. एक molecular formula आपको given है C5H12O, उसके लिए आपको IUPAC nomenclature बताना है. After the nomenclature, you have to classify it as 1 degree, 2 degree or 3 degree alcohol. Okay, उसका classification भी करना है. अब यहाँ पे देखो पांच carbon है, तो सबसे first अपन क्या करेंगे, पांच carbon की chain बना देंगे, 1, 2, 3, इधर किधर से भी नंबरिंग करो नो मैटर डजेंट, बट आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हो वहाँ पे लीस्ट नंबर होना चाहिए, क्योंकि आपने आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर 11 पे पढ़ा है, तो नॉमेनक्लेचर का रूल क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन कैरी लीस्ट नंबर. ओके, हियर आपके पास कितने कार्बन है, 5 कार्बन. तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, कार्बन की चेन बना दूंगी, तो इसको अपन साथ साथ में ड्रॉ भी करते जाते तो ईजी हो जाएगा. लेट सी, यहाँ पे देखो आपके पास कितने कार्बन है, अपने को बनाना है C5H12O का. तो C5H12O में कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 कार्बन बना दिए. अब O है तो O से हाइड्रोजन का जो है वो फंक्शन ग्रुप OH यदि मैंने लगा दिया, ये 5 कार्बन आपके हो गए. यहाँ पे आपको बोला है कि आइसोमेरिक एल्कोहल के लिए देना है, तो आपको OH लेना है, आपको इसमें एल्डिहाइड या कीटोन इस टाइप का कुछ नहीं सोचना है. ओके, अब यहाँ पे 5 कार्बन की चेन लगा दी, यहाँ पे कार्बन के 4 बॉन्ड लगाने करने के लिए 2 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे आपको 3 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे, तभी कार्बन के क्या होंगे, 4 बॉन्ड कंप्लीट. अब यहाँ पे यदि मैं इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर करूँगी, सो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन ऑक्यूपाई लीस्ट नंबर, हियर नंबर एज 1, 2, 3, 4, 5, 5 कार्बन यदि है तो अपन क्या देंगे, पेंट, और फर्स्ट पोजीशन पे ऑल है तो पेंट 1 ऑल या पेंटेनॉल ऐसे भी लिख सकते हैं, पेंटेनॉल. ओके, या पेंटेन 1 ऑल. ओके, अब यहाँ पे देखो ये तो हो गई 5 कार्बन की चेन. अब सपोज ये OH यदि फर्स्ट कार्बन से जुड़ा है, तो आपने पेंटेन 1 ऑल डाल दिया, ई नहीं लगाया मैंने, नाम देखना मैंने किस तरह से लिखा है, पेंटेन 1 ऑल है तो ई जो होता है इसका सफिक्स उसको रिमूव कर रहा है. अब यहाँ पे यदि OH दूसरे कार्बन से जुड़ा हो, सो इन दैट केस व्हाट हैपन, 1, 2, 3, 4, ये आपके 5 कार्बन हो गए टोटल, 1, 2, 3, 4, 5. ओके, अब ये OH सेकेंड कार्बन पे लगाते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 कार्बन यहाँ पे आपके हो गए. OH मैंने सेकेंड पोजीशन पे लगाया, बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे, यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन. अब यहाँ पे जब IUPAC नॉमेनक्लेचर करोगे, तो ये फर्स्ट पोजीशन पे था तो 1 ऑल, ये सेकंड पोजीशन पे है तो क्या नाम दोगे, पेंटेन 2 ऑल, क्या नाम दे दोगे आप, 2 ऑल, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप है. इन द सिमिलर मैनर यदि ये OH को आप यदि थर्ड पोजीशन पे लगाओगे तो 3 ऑल हो जाएगा. अच्छा, क्लासिफिकेशन भी देखते जाओ, ये OH से जुड़ा कार्बन, एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री, ये OH से जुड़ा कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री, ये OH से जुड़ा हुआ कार्बन जो है वो 2 कार्बन से जुड़ा है, अगेन इट इज़ 2 डिग्री. तो अपन ने पेंटेन के 5 कार्बन की चेन में OH को फर्स्ट पोजीशन पे लगाया, सेकंड पोजीशन पे लगाया, थर्ड पोजीशन पे लगाया, और तीनों ही केस में अपन ने उसकी डिग्री को आइडेंटिफाई कर दिया. आफ्टर दैट अब अपन क्या लगा रहे हैं, साइड चेन के फॉर्म में भी लगा रहे हैं. जब भी साइड चेन लगाते हैं तो CH3 अपन यूज़ कर सकते हैं, यदि मिथाइल का यदि मैंने यूज़ करा तो अब आपके पास मेन चेन में 5 कार्बन की जगह 1 कार्बन कम हो जाएगा, इट मीन्स आपके 4 कार्बन रह जाएंगे. अब ये जो सेकेंड वाला जो मिथाइल वाला कार्बन है, यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि यदि ये मिथाइल वाले कार्बन को 1, 2, 3, 4 और ऐसे यदि मैंने लगाया यहाँ पे और उसके बाद OH लगा दिया, तो ऑब्वियसली ये तो 5 कार्बन की चेन ही जाएगी, तो ये वाला नाम और ये वाला नाम क्या हो जाएगा, सेम. तो आपको यदि मिथाइल को लगाना है तो आपको कौन सी पोजीशन पे लगाना पड़ेगा, सेकंड पोजीशन पे लगाना पड़ेगा आपको, सेकंड पोजीशन पे लगाओगे ताकि जब अपन चेन सेलेक्ट करेंगे तो ये स्ट्रेट चेन यदि सिलेक्ट हो गई तो ये आपके सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे. तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम अपन फर्स्ट प्रीफिक्स में लिखते हैं, तो प्रीफिक्स में नंबर यदि प्रायोरिटी तो फंक्शनल ग्रुप की है, 1, 2, 3, 4, 2 पोजीशन पे CH3, 2 मिथाइल, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो ब्यूट, और 1 पोजीशन पे ऑल लगा हुआ है तो ब्यूट 1 ऑल, और ये भी कौन सा है, 1 डिग्री, क्योंकि OH से जुड़ा कार्बन ये वाला एक ही कार्बन से जुड़ा है, सो इट इज़ ऑल्सो 1 डिग्री. अब ये 2 मिथाइल ब्यूट 1 ऑल है, यदि मैंने इस 1 को 1 ऑल वाले को मीन्स OH वाले को यहाँ पे लगा दिया इस वाले कार्बन पे, तो 2 मिथाइल ब्यूट 2 ऑल बन जाएगा. अब ये वाला तो 1 डिग्री है लेकिन ये 3 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये OH से जुड़ा कार्बन 1, 2, 3 तीनों साइड कार्बन से जुड़ा है. अब एक बार अपन ने सब्स्टिट्यूएंट को सेकेंड पोजीशन पे लगाया, एज इट इज सब्स्टिट्यूएंट को कहाँ लगाओ,
आप थर्ड पोजीशन पे लगाओ, थर्ड पोजीशन पे लगाओगे तो ब्यूट टू ऑल और OH को सेकेंड पोजीशन पे रहने दो। फिर OH को क्या करो, OH को एक बार अपन ने सेकेंड पोजीशन पे रख लिया और एक बार अपन ने OH को कहाँ रख लिया, फर्स्ट पोजीशन पे रख लिया, उसके अकॉर्डिंग आप नोमेनक्लेचर करते जाओ। यहाँ पे यदि नोमेनक्लेचर करोगे तो फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर आना चाहिए, तो 1, 2, 3, 4, तो 3 मिथाइल मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूट, ब्यूट टू ऑल। ओके, यहाँ पे करोगे तो 3 मिथाइल तो ठीक है, लेकिन मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूट, अब ये वन पोजीशन पे OH जुड़ा हुआ है तो ब्यूट वन ऑल, तो आपको 2 मिथाइल और 3 मिथाइल दोनों ही केस में वन ऑल भी बताना है और टू ऑल भी बताना है, ये इसके सारे आइसोमर्स हो जाएंगे। आफ्टर दैट अब यदि मैंने जो साइड चेन थी उसमें अपन ने एक ही सी एच थ्री का यूज़ करा था, अब यदि अपन दो सी एच थ्री का यूज़ करते ये तो अब जो पेरेंट चेन है उसमें एक कार्बन और कम हो जाएगा, पहले टोटल 5 कार्बन थे, अब 3 कार्बन की पेरेंट चेन हो जाएगी और 2 की सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन हो जाएगी। तो यदि 2 सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन में यदि लगते हैं सेकेंड पोजीशन पे तो उसके लिए अपन यूज़ करेंगे 2, 2 और 2 बार नंबर लिखते हैं, उसके बाद अपन जिसमें अपन रिपीटेशन हो रहा है इसके लिए यूज़ करते हैं डाई मिथाइल, तो 2, 2 डाई और CH3 है तो मिथाइल 2, 2 डाई मिथाइल मीथेन इथेन प्रोप, तो प्रोप और वन पोजीशन पे ऑल जुड़ा हुआ है तो 2, 2 डाई मिथाइल प्रोप वन ऑल। ये कौन सा डिग्री अल्कोहल है, इट इज़ ऑल्सो 1 डिग्री अल्कोहल। सो दीज ऑल आर द आइसोमेरिक फॉर्म्स ऑफ C5H12O। इस टाइप से आपको किसी का भी आइसोमेरिक फॉर्म पूछ सकते, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कार्बन की चेन को पहले सिंगल 5 कार्बन की चेन बना दो, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को चेंज करते जाओ, पहले वन फर्स्ट कार्बन पे लगाओ फंक्शनल ग्रुप को, फिर सेकेंड कार्बन पे लगाओ, फिर उसके बाद थर्ड कार्बन पे लगाओ। अब यदि सोचो यहाँ पे यदि मैं फोर्थ पे लगाती ना तो फिर प्रायोरिटी इधर से, यदि मैं यहाँ पे फोर्थ पे लगाना चाहती 1, 2, 3, 4, 5, यदि मैं इसको जैसे अपन नंबर यहाँ से करें 1, 2, 3, 4, मैं इस पे लगाना चाहती तो वो फंक्शनल ग्रुप यदि यहाँ पे आता तो उसको सेकेंड नंबर ही देना पड़ता, तो ये वाला केस और ये वाला केस सेम हो जाता। मींस आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि OH को मैंने राइट हैंड साइड पे सेकेंड नंबर पे लगाया तो लेफ्ट हैंड साइड के सेकेंड नंबर पे लगाऊंगी तो यहाँ पे क्या फोन नंबर आएगा, नहीं आएगा, फिर प्रायोरिटी का ऑर्डर बदल जाएगा, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 तो इधर से भी सेकेंड आएगा। मींस आपको जब आप सॉरी फंक्शनल ग्रुप को लगाओ तो इस टाइप से अरेंज करना कि नंबर के हिसाब से लेबल जो हो वो डिफरेंट होना चाहिए, यदि लेबलिंग सेम हो रही है तो फिर वो स्ट्रक्चर बनाने का कोई सेंस नहीं। अब यहाँ पे अपन ने जैसे 1 पे लगाया तो 1 ऑल बन रहा है, 2 पे लगाया तो 2 ऑल बन रहा है, 3 पे लगाया तो 3 ऑल बन रहा है। अब मैं यदि यही OH को यहाँ पे लगा दूंगी, क्वेश्चन आपके मन में आएगा यही OH को यहाँ पे लगा दूंगी तो वो वापस 2 ऑल ही बनेगा, क्योंकि आप नंबरिंग इस साइड से करनी पड़ेगी अपने को, तो 3 तो ये OH के रिस्पेक्ट में हो जाएंगे पोजीशन चेंज करने पे, फिर साइड चेन के रिस्पेक्ट में हो जाएंगे 2, 1 और उस हिसाब से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आपको क्लासिफाई करना है, जितने आपको पॉसिबल लगते हैं उतने आपको बनाने। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई फिनॉल इज एसिडिक एंड अल्कोहल इज न्यूट्रल इन नेचर। फिनॉल का नेचर जो है वो एसिडिक होता है लेकिन अल्कोहल का नेचर जो होता है वो न्यूट्रल होता है, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 11th में आरिनियस कॉन्सेप्ट पढ़ा, एसिड आर दोज विच डोनेट H+ आयन इन एक्वेरियस मीडियम एंड बेस आर दोज विच डोनेट OH-। एसिड वो होगा जो H+ देगा, यदि फिनॉल H+ देगा तो वो एसिड की तरह बिहेव करेगा और यदि अल्कोहल देगा तो वो एसिड की तरह बिहेव करेगा, ये तो क्लियर है। अब एसिडिक नेचर क्यों है फिनॉल का, उसका एक्सप्लेनेशन ये है, जो फिनॉल है उसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल है और रेजोनेंस स्ट्रक्चर के टाइम जो ऑक्सीजन होता है फिनॉल का उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब ये पॉजिटिव चार्ज आने के कारण जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है फिनॉल में, उसमें जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको ऑक्सीजन अपनी तरफ ले लेता है और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यदि ऑक्सीजन अपनी तरफ लेगा, तो हाइड्रोजन पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा वो H+ फॉर्म के में रिमूव हो जाएगा। सो यदि H+ रिमूव हो रहा है फिनॉल से तो वो किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगा, एसिड की तरह, बिकॉज एसिड आर दोज विच डोनेट प्रोटॉन और यहाँ पे प्रोटॉन ईजिली रिमूव हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, एसिड। अब उसका एक्सप्लेनेशन देखो, वन ऑफ द पॉसिबल एक्सप्लेनेशन वाई फिनॉल इज एसिडिक एज कम्पेयर टू द एल्कोहल इज दैट फिनॉल एग्जिस्ट एज रेजोनेंस हाइब्रिड। फिनॉल के बहुत सारे रेजोनेंस हाइब्रिड होते हैं, जैसे ये मैंने फिनॉल का स्ट्रक्चर बताया आपको, कैक्यूलिक का स्ट्रक्चर बेंजीन में ऑलरेडी पता है, तो ये डबल बॉन्ड यदि इन दो कार्बन के बीच है तो मैं क्या इसको इन दोनों कार्बन के बीच में नहीं कर सकती, तो फर्स्ट सेकेंड रेजोनेंस तो आपके यही हो गए, सिर्फ डबल बॉन्ड का मैंने क्या कर दिया यहाँ पे अल्ट्रेशन कर दिया। आफ्टर दैट यदि यहाँ पे रेजोनेंस बहुत अच्छे से समझ लेना, यदि मैंने इस बॉन्ड को ब्रेक करा इन दैट केस
place. Here the carbon atom in that side required, यहाँ पे head point है तो carbon atom at that side required partial negative charge, whereas carbon atom at that side required partial पॉजिटिव चार्ज. ये वाला एरो मीन्स इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ये कार्बन ले रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव. ये नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव. अब यहाँ पे ये वाला कार्बन डेफिशिएंट हो गया तो ये कार्बन क्या करेगा, ऑक्सीजन से लोन पेयर को अपनी तरफ लेगा. जैसे ही ऑक्सीजन से लोन पेयर को उसने अपनी तरफ शिफ्ट करा तो ऑक्सीजन डोनर हो जाएगा, तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज. इस कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज. अब बात आई यहाँ पे अपना था पॉजिटिव, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन को ले लिया तो उसका सेटिस्फैक्शन हो गया, ऑक्सीजन डोनर बन गया, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया. मीन्स इस टाइप की कंडीशन हो गई. अब यहाँ पे क्या होता है, चार्ज को आपको एक कार्बन छोड़ के आगे ले जाना है और बॉन्ड को एक पीछे ले जाना है. दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे. मीन्स चार्ज ये वाली साइड छोड़ के नीचे आ जाएगा और बॉन्ड यहाँ से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ऊपर का स्ट्रक्चर एज इट इज होगा. अब यहाँ पे देखो न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे भी देखो प्लस माइनस, इट इज़ ऑल्सो न्यूट्रल, हियर ऑल्सो प्लस माइनस, सो इट बिकम न्यूट्रल. आफ्टर दैट ये जो माइनस का चार्ज है इस साइड को छोड़ के कहाँ पर आ जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा और बॉन्ड एक पीछे. मीन्स जब चार्ज की शिफ्टिंग फॉरवर्ड में होगी तो बॉन्ड की शिफ्टिंग बैकवर्ड में होगी, और बॉन्ड की शिफ्टिंग यदि फॉरवर्ड में हो रही है तो चार्ज की शिफ्टिंग बैकवर्ड में होगी. ठीक, तो ये वाला बॉन्ड नीचे आ जाएगा और चार्ज कहाँ जाएगा, ऊपर. यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा आई होप. अब आफ्टर दैट यहाँ पे क्या करना है, इस बॉन्ड को अगेन आपको ब्रेक करना है. तो ये वाला ऑक्सीजन आपका नेगेटिव चार्ज, इस बॉन्ड को मैं ब्रेक कर रही हूँ तो ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है और ये कार्बन आपका कर रहा है पॉजिटिव. फिर प्लस माइनस अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा. और यहाँ पे इस ऑक्सीजन पे यदि नेगेटिव आ गया तो विद इन एटम पॉजिटिव एंड नेगेटिव इट बिकम न्यूट्रल. एक ही एटम पे पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रल. तो ये OH एज इट इज रह जाएगा. यहाँ पे पॉजिटिव आया, पॉजिटिव नेगेटिव दो अलग अलग एटम में हो तो बॉन्ड बन जाएगा. तो यहाँ पे कार्बन तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन. सो दिस ऑल आर द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ फिनॉल. आफ्टर दैट ड्यू टू द रेजोनेंस ऑक्सीजन गेट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. यहाँ पे आपने देखा कि रेजोनेंस के कारण ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ रहा है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है. एंड अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ OH बॉन्ड. अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑब्वियसली, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेगा. और जैसे ही ये OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेगा तो ऑक्सीजन पे तो नेगेटिव मतलब वो न्यूट्रल होने की कोशिश करेगा और हाइड्रोजन क्या करेगा, H प्लस के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा. तो जैसे ही H प्लस रिमूव हुआ तो वो बन जाएगा फिनॉक्साइड आयन. क्या बोलेंगे उसको, फिनॉक्साइड आयन. फिनॉक्साइड तब बनता है जब प्रोटॉन का रिलीज होता है, और वो प्रोटॉन रिलीज होने के बाद जो फिनॉक्साइड है उसको अपन रेजोनेंस की हेल्प से स्टेबलाइज कर देंगे. जैसे C6H5OH इट इज़ फिनॉल, ये आपका क्या है, फिनॉल. यहाँ पे H प्लस यदि रिमूव होता है तो C6H5O माइनस दैट इज़ फिनॉक्साइड. अब इसका रेजोनेंस देखो, मैंने सबसे पहले C6H5 तो बेंजीन रिंग बना दी, 6 कार्बन 5 हाइड्रोजन और O पे माइनस है, सो इट O यहाँ पे नेगेटिव. अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव यदि चार्ज है तो 3 लोन पे आएंगे, 1, 2 एंड 3. आफ्टर दैट ये वाला बॉन्ड यदि ब्रेक होगा तो कार्बन कार्बन में यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव, पॉजिटिव ये वाला और ये वाला नेगेटिव. तो अब दो अलग अलग एटम में, अभी मैंने बोला पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ पे आ गया आपका नेगेटिव. उसके बाद चार्ज एक कार्बन छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा और बॉन्ड एक पीछे चला जाएगा. फिर चार्ज ये वाला कार्बन छोड़ के ऊपर चला जाएगा और बॉन्ड नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. आफ्टर दैट ये वाले बॉन्ड को अपन वापस ब्रेक करेंगे तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव और ये कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव. तो पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग एटम में फिर से क्या बन जाएगा, बॉन्ड. तो ये वापस क्या बन गया, फिनॉक्साइड. सो दीज ऑल आर द रेजोनेंस फॉर्म ऑफ फिनॉक्साइड. और जितने ज़्यादा जिसके रेजोनेंस होते हैं उसकी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है. अब ये रेजोनेंस फिनॉक्साइड का स्टेबल हो गया रेजोनेंस के कारण, ये स्टेबिलिटी को गेन करेगा. बट इन द केस ऑफ एल्कोहल दिस टाइप ऑफ रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल. एल्कोहल के केस में ये रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एल्कोहल में जो हाइड्रोजन है वो फ्रीमली लिंक होता है ऑक्सीजन से, इसलिए उसमें रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है. अब रेजोनेंस यदि पॉसिबल नहीं है तो वो एच प्लस को ये डोनेट नहीं करेगा, और एल्कोहल यदि एच प्लस को डोनेट नहीं कर रहा है इट मीन्स इट इज़ न्यूट्रल इन नेचर. अब ये H प्लस को देने के कारण ये क्या हो रहा है, एसिडिक. तो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ, ये एसिडिक आपका प्रोटॉन है, यही वो प्रोटॉन है जिसके कारण फिनॉल का कौन सा नेचर शो हो रहा है, एसिडिक नेचर. ओके, अब आगे क्या हो रहा है इसमें, एल्कोहल नो रेजोनेंस इज पॉसिबल, हैंस हाइड्रोजन एटम इज मोर फ्रीमली लिंक टू द ऑक्सीजन. एल्कोहल के केस में कोई रेजोनेंस नहीं है, हाइड्रोजन फ्रीमली लिंक है, इसीलिए ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है. तो ये वाला एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्योर फिनॉल जो होता है वो कलरलेस सॉलिड होता है, लेकिन
कुछ टाइम बाद जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है. तो व्हाई दिस कन्वर्जन ऑफ फिनॉल इज़ डन, ये आपका क्वेश्चन है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बताना है कि जब भी फिनॉल को एयर की प्रेजेंस में अपन रखते हैं तो फिनॉल एयर में क्या होती है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज हो जाएगा. यदि फिनॉल का ऑक्सीडेशन हो रहा है ऑक्सीजन से, ऑक्सीडेशन इट मीन्स व्हाट, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन का एडिशन यदि हो रहा है फिनॉल पे, ऑक्सीडेशन हो रहा है एयर से, तो क्या बनेगा आपका क्यूनॉन. ये क्यूनॉन का स्ट्रक्चर होता है, अल्टरनेट नहीं होते इसमें बॉन्ड. इसमें क्या होता है, आमने सामने आपके दो डबल बॉन्ड हो जाएंगे और दो ऑक्सीजन मीन्स दो कीटोन ग्रुप यदि लगते हैं, और ऑन का मतलब आपको पता है कीटोन होता है, तो दो सी ओ सी होंगे यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों एक दूसरे के पैरा, और इसके साथ H2O का रिलीज. अब H2O कैसे रिलीज हुआ होगा, देखो यहाँ से तो यहाँ पे इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो एक ये हाइड्रोजन और एक ये वाला हाइड्रोजन H2, ठीक, एक ये वाला हाइड्रोजन और एक ये वाला हाइड्रोजन H2, और एक यहाँ से ऑक्सीजन, तो H2O और एक ऑक्सीजन ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, तो किसका फॉर्मेशन हो गया, क्यूनॉन का. अब ये जो क्यूनॉन है वो, अब ये जो क्यूनॉन है वो किसके साथ कंबाइन होगा, फिनॉल के दो मॉलिक्यूल के साथ. ये क्यूनॉन फिनॉल के दो मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी, और इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण उसका कलर क्या हो जाएगा, पिंक. दैट इज़ किसका फॉर्मेशन हो गया, फिनोक्यूनॉन. और यही फिनोक्यूनॉन के कारण फिनॉल का कलर क्या होता है, पिंक. ओके, सो दिस इज़ द लास्ट फाइनल रीजनिंग क्वेश्चन ऑफ चैप्टर.